इन विंटर इंजॉय क्लाउड्स एंटरिंग योर रूम। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे ऐसा हुआ भी था। वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द न्यू सीरीज। तो आज हम हैं पंचकुला द DLF वैली। हम कल आ गए थे अपने घर से यहाँ पे। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पंचकुला और चंडीगढ़ के आसपास जो भी अच्छी प्लेसेस हैं देखने के लिए, जैसे आज हम बड़ोग जा रहे हैं। बड़ोग में आज हम कवर करेंगे बड़ोग स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा, और एक होटल है बड़ोग हाइट जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, और जो भी रास्ते में चीज़ें दिखेंगी वो हम कवर करेंगे और दिखाएंगे। और ये देखो यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है। हम DLF वैली में हैं पंचकुला, और ये देखो यहाँ से सारे माउंटेन्स दिखते हैं। अगर यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ से कसौली दिख जाता है। यहाँ पे एक ऊपर टॉप पे है, वो कसौली है जो टॉप है, आपको सबसे ऊंचा दिख रहा होगा वो टावर है ना, वो वहाँ पे सनराइज सनसेट पॉइंट है। तो ये सीरीज़ बनाने का मेन मोटो ये था हमारा कि चंडीगढ़ के या जो पंचकुला के लोग हैं जो जाना जाते हैं, उनको मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा जगह नहीं पता होती, उनको सिर्फ कसौली, शिमला, मतलब आसपास अगर जो किसी ने वन डे ट्रिप करना हो तो यही जगह पता होती हैं। तो हम इस सीरीज़ में ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेंगे ऐसी जगह बताने की जहाँ जो लोगों को नहीं पता, और लोग वहाँ से वन डे ट्रिप भी कर सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं, अगर जो चाहें तो वो जाके आ भी सकते हैं, वो उन पर डिपेंड है। लेकिन ऐसी ही हम आस पास की ही जगह बताएँगे जो लोगों को कम्फर्टेबल हों। तो अभी चलते ये हम आ गए, यहाँ हिमाचल का ग्रीन टैक्स लग रहा है, तो यहाँ ग्रीन टैक्स लगता है 40 रुपीज़ का, हमारी गाड़ी का लग गया। तो आगे चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। ये रास्ते में टोल आने वाला है, जस्ट ये देखो लिखा है 500 मीटर्स अवे है। ये टोल धर्मपुर से पहले है, और धर्मपुर से रास्ता अलग होता है, एक जाता है कसौली अगर किसी ने कसौली जाना, और दूसरा जाता है रास्ता शिमला की साइड जाता है जो सेकंड रास्ता है, तो जिसने जैसे जाना होता चल जाता है, कट आता है धर्मपुर से ऊपर कसौली के लिए। और ये अभी हम टोल पर आ गए, ये टोल धर्मपुर से पहले है, और ये टोल में कार का चार्ज है 55 है सिंगल साइड का। तो अभी हम धर्मपुर आ गए हैं, और यहाँ से रास्ता जाता है कसौली के लिए जब आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ ये मंदिर है, इसके आगे जैसे ये चौक है तो इस चौक पे लिखा भी हुआ है कि कसौली के लिए लेफ्ट है, और चंडीगढ़ के लिए उसके लिए ये कसौली के लिए हम इधर चले गए ऊपर, शिमला के लिए सीधा जाना है, और बड़ोग भी यहाँ से सीधा जाके आता है। तो ये धर्मपुर से आगे एक डाइवर्जन आती है, यहाँ से देखो यहाँ लिखा है शिमला, अगर जो यहाँ से हाईवे के ऊपर चढ़ जाते हो तो शिमला चले जाते हैं, इसमें बड़ोग बाईपास हो जाता है, सीधा आप सोलन निकलते हैं, और यहाँ से नीचे से जाते हैं तो एक जगह है कुम्हारहट्टी, वहाँ चल जाते हैं, और वहाँ पे चौक आता है जहाँ से आपको लेफ़्ट होना होता है, वो चौक भी दिखाएंगे कहाँ से लेफ़्ट होना होता है। तो यहाँ से जिसने बड़ोग जाना हो यहाँ से नीचे ही जाए, क्योंकि ऊपर से बड़ोग बाईपास हो जाता है, आप सीधा सोलन पहुँच जाओगे। तो चलते हैं, वो भी दिखाएंगे। ये वो चौक है जहाँ से मैं बता रहा था कि पीछे से आगे आए, तो यहाँ से ये रास्ता जा रहा है बड़ोग को, और यहाँ से अगर आप नीचे भी आ जाते हैं और शिमला साइड जाना है तो सीधा चल जाएंगे, तो ये आगे फ्लाईओवर में ही मिल जाता है। और अगर इस साइड जाते हैं तो यहाँ एक है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ये रास्ता डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जाता है, तो हमने तो लेफ्ट ही जाना है, तो चलते हैं ब्रो।
आ गए हैं, बड़ोग हाइट होटल जा रहे हैं हम। तो जब आप उधर से आते हो तो यहाँ से कटा ऊपर जा रहा है। तो अभी हम आगे से मुड़ के आए हैं, हम आगे कुछ देखने गए थे। तो यहाँ काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, आपको दिखाते हैं, काफ़ी ट्रेन ड्राइवर की वो होती है यहाँ पे ले जाने के लिए। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो अभी हमने यहाँ कार खड़ी कर दी है पार्किंग में, अब ऊपर जाते हैं, रिसेप्शन वालों से देखते हैं, बातचीत करते हैं, प्राइस वगैरह पूछते हैं। और यहाँ पे एक टॉप है, रूफ टॉप लगा लो, वहाँ जाते हैं, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। तो ये ब्रोग होटल है, देखो ब्रोग हाइट, ये नीचे पार्किंग थी, हम ऊपर रूफ टॉप पर आ गए हैं। तो यहाँ से ना सारा दिखता है, देखो आगे कसौली का वही टावर दिख रहा है जो मैंने आपको सुबह फ्लैट की ऊपर से दिखाया था, ये वही है टावर। और ये एक जगह है डगशाई, ये भी हम इसी सीरीज़ में कवर करेंगे, क्योंकि पता नहीं होगा किसी को ज़्यादा इस जगह के बारे में, हम इसी सीरीज़ में इसको कवर करेंगे। और ये हाईवे आ रहा है चंडीगढ़ शिमला हाईवे। तो ये देखो यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा प्यारा आता है, और इसकी हाइट लगभग शिमला जितनी है, और जब शिमला बर्फ़ पड़ती है तो इस होटल में भी बर्फ़ पड़ती है। ये होटल यहाँ पे और सबसे टॉप पे बना हुआ है। तो अब चलते हैं रिसेप्शन पे, बात करते हैं कि कितना प्राइस है रूम का, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं होटल के बारे में। अभी रिसेप्शन पे जाके आया था उनसे प्राइस पूछने के लिए और रूम्स वगैरह देखने के लिए। तो उन्होंने बताया कि रूम्स अभी सारे फिल हैं, इस चक्कर में वो दिखा नहीं सकते, और अभी चेकआउट टाइम चल रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि ये पीक टाइम होता है, अभी 12 o'clock हुए हैं, तो वो थोड़ा बिजी है। तो उन्होंने मुझे एक कार्ड दे दिया जिसमें इस होटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है और रूम्स के प्राइसेस हैं। वैसे होटल 1996 में बना था। इस होटल का जो डीलक्स रूम का प्राइस है वो है 4,500, और जो इसका सुपर डीलक्स का प्राइस है वो है 5,500, और जो फैमिली सूट है जिसमें दो बेडरूम अटैच होते हैं वो है 7,400 का। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका यही चार्जेस रहते हैं। और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि चेक इन टाइम क्या है, चेकआउट टाइम क्या है सारा, और पीछे इन्होंने सर्विसेज लिखी हुई हैं अपनी कि क्या क्या सर्विसेज ये देते हैं। जैसे इन्होंने इसमें सब बताए भी रहे थे कि अगर किसी को ऊपर कार लाने में इशू हो तो ये कार अवेलेबल करा देते हैं नीचे, और ड्राइवर भी करवा देते हैं। ये इनके कार्ड में सारा लिखा है कि क्या क्या है इस होटल में, और एयरपोर्ट कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन, और इन्होंने भी क्लाइमेट का लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये लिखा, समर में यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर विंटर्स में, और स्नोफॉल इन विंटर्स में। मैं यहाँ पे थोड़े टाइम पहले आया था, तो यहाँ पे लिटरली ऐसा होता है कि जब मौसम अच्छा होता है, थोड़ा सा स्नोफॉल का होता है, तो आपके क्लाउड्स आपके रूम में आते हैं। इन्होंने चीज़ लिखी भी हुई है, इन विंटर इन्जॉय क्लाउड्स एंटरिंग योर रूम। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर ऐसा हुआ भी था, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है आने के लिए, और आप यहाँ पे अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। और इन्होंने आगे प्लेसेस भी बताई हुई हैं कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। और जैसे आज हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, और डगशाई हमारा नेक्स्ट वो होगा, मैंने बताया ही है। ये इन्होंने आसपास प्लेसेस भी लिखी हुई हैं, तो ये कार्ड भी इनका काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, चलते हैं। ये हम ऊपर से नीचे आ गए, तो ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन पर। तो कुछ लोगों को जो उन्होंने प्राइस बताया हो सकता है महंगा लगे, और लेकिन वो यहाँ रुकना चाहें, ब्रो को एक्सप्लोर करना चाहें, इन्जॉय करना चाहें, तो उनके लिए एक थोड़ा होम स्टे देखा है। ये ना यहाँ से आगे आते ही है, ये है सिमरन होम स्टे।
तो ये थोड़ा बजट फ्रेंडली होगा लोगों के लिए। तो अब ये दिखाते हैं, रूम है 2 BHK है, इसका प्राइस इन्होंने 3000 बताया है, नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत। बाकी रूम दिखाता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ थोड़ा बैठने का है, ये इनका एक रूम है और ये अंदर किचन है, जैसे आप कुछ बना जाओ, क्योंकि ये एक होम स्टे ही है, ये वॉशरूम है तो होम स्टे है, तो इसलिए किचन भी इन्होंने दी हुई है। और ये दूसरा रूम है, वॉशरूम दोनों के अंदर से अटैच है, उसका उधर डोर है, इसका इधर, और डोर भी इनके एग्जिट होने के 2 हैं। तो इसका प्राइस 3000 बोल रहे हैं, नेगोशिएबल इन्होंने बता दिया, नेगोशिएबल है। ये इनके नंबर है, सिमरन होम स्टे नाम है, और सुरेश कुमार जी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अब आगे चलते हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अभी हम बड़ोग में ही हैं, बड़ोग से बड़ोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहीं चौक पे ही हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी फेमस है चाचा चाची का ढाबा, ये मैं दिखाता हूँ, ये है, यहाँ देखो टैक्सी रुकती हुई है, ये चाचा चाची हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे खाएं, इनके परौंठे काफ़ी फेमस होते हैं, हमने लास्ट टाइम खाए भी थे, ठीक होते हैं। और यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट का है, हिमाचल टूरिज्म का, पाइनवुड है होटल का नाम, ये आगे है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है रहने के लिए। यहाँ से सोलन 4 किलोमीटर है, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो ये बोर्ड का ध्यान रखिए, यहाँ पार्किंग ऐसी है, रोड पे ही लगानी पड़ती है आपको, साइड में कोई आप वैसे लगा सकते। तो यहाँ वैसे रूम्स के प्राइस लिखे हैं, आप लोगों को बताता हूँ मैं। यहाँ जो सिंपल रूम्स हैं, जो थोड़ा ऊपर होते हैं स्टेशन से, उनका प्राइस है 1000। और जो शिवालिक कॉटेज हैं, जो अंग्रेज़ों के टाइम के हैं, क्योंकि ये स्टेशन भी अंग्रेज़ों के टाइम का है, इसमें मैं रहा भी हुआ हूँ, तो ये जो शिवालिक कॉटेज है, जो प्रॉपर वुडन तरीके से बना हुआ है, वुडन जो लकड़ी होती है जो पहाड़ों में मिलती है, या जो जिस लकड़ी के पहाड़ पे घर होते हैं उस लकड़ी से बना हुआ है, तो उसका प्राइस है 2000। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था, नियर अबाउट 1 ईयर अगो और 1.5 ईयर अगो हम यहाँ पे आए थे, तो इनका प्राइस था 750, ओनली 750 इनका प्राइस था। बट अब इन्होंने प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया है। तो ये देखो, यहाँ से रास्ता आ रहा है और नीचे जा रहा है, अभी है 1-2 किलोमीटर नीचे आपको जाना पड़ता है स्टेशन के लिए, तब स्टेशन आता है। तो चलते हैं रास्ता में, यहाँ से हम पार्किंग से नीचे आएंगे। तो यहाँ पे आके मैक्सिमम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाएं कहाँ, क्योंकि काफ़ी रास्ते जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, एक रास्ता इस तरफ, तो हमने यहाँ से सीधा जाना है, पक्का बना वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है आगे एज़ कम्पेयर टू बैक। ये देखो कितना छोटा बड़ा रास्ता है, आगे रास्ता पतला हो गया। और ये वही रूम्स हैं रेलवे के, जो मैं बता रहा था कि 1000 रुपीज़ के मिलते हैं आज की डेट में। और ये नीचे रेलवे स्टेशन आ गया सारा, ये देखो। ये रूम्स हैं, नीचे रेलवे स्टेशन आ गया, ये हम स्टेशन पे आ गए। ये वो हाईवे आ रहा है जो मैंने बताया था कि अगर आप हाईवे पे चढ़ जाते हो तो शिमला जाएगा, तो ये बाईपास यहाँ पे आता है। तो इसके इसके लिए आपको हाईवे के ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर आप बड़ोग स्टेशन नहीं आ पाओगे, ना ही बड़ोग हाइट होटल जा पाओगे। तो ये आ गए हम स्टेशन, काफ़ी सुंदर स्टेशन है। एक यहाँ की बहुत फेमस है कटलेट, यहाँ बहुत फेमस होते हैं, तो देखते हैं, मिलते हैं तो खाते हैं। इस टनल के बारे में ये बात है कि एक टाइम तक ये इंडिया की 2nd नंबर पे सबसे बड़ी टनल रही थी। और ये देखो कितनी लंबी है, ऐसे लग रही होगी कि ये इसका एंड है, लग रही होगी कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लंबी है। ये कुम्हारहट्टी निकला है रास्ता,
आप अगर जो कुछ लोगों को थोड़ा सा टॉय ट्रेन में भी सफ़र करना हो तो आप कुम्हारहट्टी से टॉय ट्रेन लेके यहाँ पे आ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैंने आपको वो दिखा दूँगा कि टाइमिंग्स क्या होते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें लिखा है जो यहाँ पे इंजीनियर थे वो इस टनल को बना नहीं पाए थे, उनका नाम भी बड़ोगी था, तो उनको ₹1 फाइन करा था और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उन्हीं के नाम पे ये बड़ोग टनल बनी है। और उसके बाद एक बाबा ने आई डोंट नो उन बाबा ने नाम क्या था उनका, बट उन बाबा ने ये टनल बनाई थी और मतलब बताया था कि ये कहाँ रास्ता निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि जो पहले बड़ोग जो इंजीनियर थे उन्होंने जब टनल बनाई थी, वो टनल उन्होंने बनानी वहाँ से शुरू करी थी, लेकिन वो ऊपर यहाँ से ट्रैक जाता है वो टनल वहाँ पे निकली थी। मैं उस जगह पे गया भी हुआ हूँ जहाँ पर टनल निकली थी। तो उसके बाद उनको दंड दिया गया था ₹1 का, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनको इतनी गिल्टी हो गई थी, तो उन्हीं के नेम पे सारा बना है। तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि ट्रेन हमें अभी पता चला कि ट्रेन के आने का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले कुछ खा लेते हैं, फिर भीड़ हो जाएगी। ये टाइमिंग्स लिखे हैं ट्रेन के, ये अप है, ये डाउन है, मतलब आना जाने वाली है, तो आप टाइमिंग्स देख सकते हैं, किसने आना हो तो और टॉय ट्रेन का लेना हो, देखनी हो टॉय ट्रेन, तो इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेस भी है खाने के लिए, जिस जो यहाँ स्टे करते हैं उनके खाने के लिए यहाँ मेस भी है, खाने वगैरह के लिए आपको कोई इशू ना हो। तो चलते हैं अभी कुछ खाते हैं। ये सारा स्टेशन के बारे में लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि ये कालका से शुरू होती है और शिमला तक जाती है, 96 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस है टोटल, और 102 टनल आती हैं बीच में, 988 ब्रिजेज आते हैं और 917 कर्व्स आते हैं। तो जिसको और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी हो रोक के पढ़ सकता है। अभी अभी हमें एक अच्छी बात पता चली है कि ट्रेन आने वाली है 15-20 मिनट में, तो मतलब क्योंकि काफ़ी कम ट्रेन आती हैं, तो अभी हम उसकी वेट करेंगे, देख के जाएंगे, तो इतना कुछ खा लेते हैं क्योंकि फिर रश हो जाएगा। मियाँ जब भी आता है कटलेट खाते हैं, तो यहाँ पे आके आप इनसे कटलेट ले सकते हैं, और कटलेट ज़रूर खाएं यहाँ पे आके, अच्छा होता है काफ़ी। ट्रेन आ गई है, टॉय ट्रेन, ये अभी यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए रुकी है सारी। ये ट्रेन यहाँ पे 7 मिनट रुकती है सारी ट्रेन, इसमें पीछे जनरल डब्बे हैं, आगे रिजर्वेशन वाले हैं जिनमें आपको सीट मिलती है और बुकिंग होती है प्रॉपर, पीछे रिजर्वेशन है जिसमें आप जब मर्जी जाके ले सकते हैं। अब ये ट्रेन का टाइम हो गया और 7 मिनट हो गए इनको, अब ये जा रहे हैं, ट्रेन यहाँ से जा रही है, टनल में से जाएगी। तो अभी हमने सारा स्टेशन देख लिया है और ट्रेन का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखा दिया, और तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो हम स्टेशन से ऊपर आ गए हैं, आगे एक इको कैंप है वापसी जाते हुए रास्ते में, वहाँ पे जा रहे हैं।
तो सबको एक बात बतानी थी कि पहाड़ पे प्लीज़ आराम से कार चलाया करें। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह हुआ है कि आप देख के इसको जज कर सकते हैं कि इसमें बैठने वाले जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो बच्चे भी होंगे या नहीं। ये शायद खाई में से ही उठाई हैं दोनों गाड़ियाँ। तो प्लीज़ जो भी पहाड़ पे आएँ थोड़ा आराम से चलाएँ और स्पीडिंग ना करें। आगे मिलते हैं इको कैंप के रास्ते में। हम सोलन से पीछे से सोलन, अगर इधर से आप जाते हो सोलन आता है, बड़ोग रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और आगे बढ़ोग है तो यहाँ पे आता है इको कैंप। ऊपर जाना पड़ता है इसके लिए, ये कच्चा रास्ता, तो अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम। तो यहाँ से ऊपर जाता है रास्ता, वहाँ पे कार खड़ी होती है, यहाँ से अंदर ये ग्राउंड है और यहाँ से कैंप के लिए ऊपर रास्ता जाता है। तो ऊपर चलते हैं। ये तो पता चल गया है कि ये कैंप पिछले 2 साल से बंद है, बुकिंग नहीं लेते, लेकिन ऊपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह है, व्यू है बता रहे हैं अच्छा। तो देखते हैं, ये देखो पाइन हिल इको कैंप नाम है। तो ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं ऊपर क्या है। ये हम कैंप पे आ गए हैं, ऊपर आना पड़ा। ये आसपास सारे फॉरेस्ट ही है, पूरा जंगल है आसपास, पेड़ ही पेड़ है, मतलब आसपास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई घर नहीं, कोई कुछ और नहीं, सिर्फ इनका ये कैंप ही है। बट ये बंद है जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन ठीक है, अच्छा है काफ़ी। इन्होंने प्राइस वगैरह लिख रखा है, वो दिखा देता हूँ ताकि अगर किसी को बाद में आना हो तो आ सके। आपको इस कैंप की विजिट करने के लिए फीस भी देनी पड़ती है। ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और लिखा है उनके प्राइस वगैरह। बाकी ये सारे कैंप्स हैं, अभी बंद है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में खुल जाए। बाकी देखने लायक जगह तो है, क्योंकि हिल टॉप पे भी है और आसपास कुछ है भी नहीं, सिर्फ मतलब जंगल के बीच बनी हुई और काफ़ी सुंदर भी है। तो हमने कैंप देख लिया, उस पॉइंट से आगे जाना अलाउड नहीं था क्योंकि कैंप बंद है। तो अब नीचे चलते हैं। तो हम नीचे आ गए हैं ग्राउंड में, ये वही ग्राउंड है, वो कार खड़ी है हमारी। तो अब चलते हैं वापस। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम सेकंड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जो कि आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, वो है डगशाई। ये एक बेसिकली एक ट्रायंगल है, एक जगह डगशाई है, कसौली और बड़ोग। तो ये आगे सारा है ना, ये डगशाई है। तो अभी हम डगशाई कवर कर रहे हैं, इसके बाद तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। सो मीट यू गाइस देयर।